मैं सालन बना रही थी, तो सालन बना के बना के मेरा हाथ ऐसा स्लिप किया। कल का ही तो था, खाए थे हम लोग। गाइस दोपहर में ना आज मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया था, क्योंकि कल का सब पुलाव भी था, माशाल्लाह खीर भी थी, सब कुछ माशाल्लाह। देखो मेरी भाजी तैयार हो गई, मूंग मेथी और सोए की। देखिए इस तरीके से बहुत टेस्टी लगती है। देखो जवारी की रोटी भी देखो कितनी अच्छी, थोड़ी जवारी की रोटी, थोड़ी गेहूँ की रोटी, जवारी की रोटी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज का ब्लॉग चालू कर रही हूँ 29 तारीख की, कितना बज रहा है इसको, कितना बोलते हैं 8:15 से टाइम आप लोग देख सकते हैं 8:15 से मैं 29 तारीख की रात से ब्लॉग चालू कर रही हूँ, कल तक मैं कंटिन्यू रखूँगी। तो गाइस हमारे यहाँ ईद मिलादुन्नबी का जश्न हो रहा है, देख सकते हैं कितना सारा सजाया हुआ है और खीर भी बनी हुई है साइड में। गाइस दोपहर में ना आज मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया था, क्योंकि कल का सब पुलाव भी था, माशाल्लाह खीर भी थी, सब कुछ थी, इसके लिए दोपहर में हम लोग खाना वाना नहीं बनाए थे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी सब्जी, अभी हुई हरी सब्जी यानी मेथी सोया और उसमें मूंग की दाल डाल के बनाएंगे। तो ये बताऊँगी मैं कैसे बनती है और फिर से हम बनाएंगे जवारी की रोटी, फिर से आज जवारी की रोटी, क्योंकि ये सब्जी के साथ जवारी की रोटी बहुत टेस्टी लगती है और जवारी की रोटी जो है फ़ायदा भी करती है ना, तो जवारी की रोटी अच्छी है खाने के लिए। तो उसके अंदर फाइबर, फाइबर जवारी की रोटी में फाइबर होते हैं ना, तो इसके लिए जवारी की रोटी नहीं बढ़ाता है, उसमें तेल भी नहीं लगता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है। और ये भी देखना बहुत टेस्टी, ये जो मेरी रेसिपी नहीं है, ये जो मेरे आपा को आता है, ये आज मैं बैठे बैठे बोली आपा जितनी रेसिपी बनाती सब मैं सब कट करूंगी, सब कट करूंगी, मुँह कर दूंगी, मुँह मैं हूँ, मैं भी कुक हूँ, तुम छोटे कुक हो बड़े कुक वो है। हाँ चिच्चू पर तू क्या करती, दबा लेके बैठ। हाँ मैं भी बना लेती पुलाव। हाँ पुलाव सालन, वो भी गालियाँ सुन सुन के बनाती है आजरा। इतनी गाली देखो, सबसे ज्यादा टाटी सबसे फटती है ये बड़ी बहन से, जिस दिन रात में अगर ये बोलती काम पे आने का कल मेरी छुट्टी है, हाँ इसकी हवा निकल जाती, कल अम्मी की छुट्टी है, मुंह देख लेना इसका ऐसा हो जाएगा ना, जिस दिन आप ऐसा करेंगे ना छुट्टी है उस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी। आए माशाल्लाह, तो आप लोग ने हर ब्लॉग में देखेंगे इसके पीछे पढ़ना पड़ता है, लेकिन जिस दिन मेरी बड़ी बहन घर में रहती है हमारे को चिल्लाना ही नहीं पड़ता, इन्हें सीधा लकड़ी की तरह जलेबी की तरह उठ कर नीचे। तो गाइस ये मेथी सोया और मूंग की दाल की सब्जी बनेंगी आज, देखना बहुत। ये लहसुन और मिर्ची कुचल के जाएंगी, बहुत टेस्टी, आप लोग भी ट्राई करना गाइस, आप लोग ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट। देखो गाइस मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई, मूंग मेथी और सोए की, और खाने में बहुत टेस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, इसमें कोई झंझट नहीं करना, बस मिर्ची लहसुन कुचल के तेल से बघारना, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मेरी जवारी की रोटी भी बनके तैयार है, देखना इतनी मस्त है जवारी की रोटी, मुलायम मुलायम बनी है, हाथ से तबक तबक के तबक तबक के मेरी बहन ने बनाई है, और गेहूँ की रोटी भी थोड़ी है। तो गाइस ये भाजी आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, कैसे आप लोग के यहाँ बनता है, किस तरीके से बनते हैं, आप लोग ये भाजी बनाते या नहीं बनाते तो ज़रूर बताना। अब मैं आपको दस्तरखान पे मिलती हूँ। तो आ जाएगा इस बिस्मिल्लाह करने, दस्तरखान लग गया है, हम लोग जा रहे हैं खाना खाने रात का, देखना माशाल्लाह। तो आज चावल वगैरह कुछ भी नहीं, आज बनी है भाजी और रोटी बस। रोटी देखो कितनी सॉफ्ट है, आप तोड़ के बता, देखो गाइस कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनी है जवारी की, और इसको हम लोग बेलन से नहीं, थप 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 ना आपा ऐसा करके बनाते हैं ना रबिया, अभी राबिया। और ये मेरा कल का रात परसों का बचा हुआ सालन, परसों का बचा हुआ सालन मैं कुछ भी नहीं फेंकती, अच्छा रंग गर्म कर करके खाती, छोड़ती कुछ नहीं मैं, खासकर गोश्त होगा तो।
नहीं तो आज भाजी क्यों बनाने बोली, आज भाजी खाने का दिल बोला। तो सब चौंक जाते हैं जिस दिन मैं बोलती हूँ ना सब्जी बनेगी या भाजी बनेगी, तो सब चौंकते हैं आज गोश्त क्यों नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं हम कितने बजे खाना खाने के लिए बैठे, पराठा ढक्कन नहीं खुलता। राबिया खोलेगी ढक्कन, राबिया ने हाफ फ्राई करके दिया मुझे और ये बनाए पराठे माशाल्लाह से। पराठे देखे आए, आप भी नाश्ता करें, बिस्मिल्लाह करें मेरे दस्तरखान पे। और राबिया लोगों ने नाश्ता कर चुके हैं और मैं लेट नाश्ता कर रही हूँ। मैं वीडियो एडिट करने में लगी थी, जो हो नहीं रही थी, मैं बाद में वीडियो एडिट हुई उसके बाद मैं नीचे आके अब नाश्ता करने के लिए बैठी हूँ। ये मीडिया आप लोगों को मिलेगी दोपहर में। गाइस देखो मेरी चाय मलाई वाली, मेरी चाय मलाई वाली। गाइस ये मेरा कप देख के ना आप बोलना नहीं टूटेले कप में चाय पी रहे, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है चाय पीने के। मैं ना हर महीने दो महीने के बाद मेरे घर में आधा डजन कप आना ही है और राबिया पा उसको तोड़ना ही है, सब कप तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि मेरा 40 रुपये वाला इतना बड़ा मग था चाय पीने का, मैं उसी में पीती थी, छोटे कप में नहीं पीती थी। उसने उसको भी तोड़ दिया, अभी चाय पीने के लिए कुछ नहीं बचा तो मेरे को इसी में मजबूरन चाय पीना पड़ रहा है। बाद में मैं कप लेके आ जाऊँगी अपने लिए, देखना कैसा मलाई मार के चाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा खाना बनाने की तैयारी हो गई। तो अभी मैं जा रही हूँ चावल बघारने। आप लोगों को मालूम है मैं जल्दी जल्दी में चावल कुकर में ही बघारती हूँ। तो सब मसाला मैंने डाल दिया है, गरम मसाला 2 चम्मच तेल डालूँगी मैं इसमें इस तरीके से। अभी ये मेरा ज़ाफ़रान का पानी जो मैंने भिगा के रखा था पूरा डालूँगी ज़ाफ़रानी कलर आने के लिए इसमें। अच्छे से पूरा ज़ाफ़रान चारों तरफ से निकाल कर डालूँगी इसमें। अभी नमक डाल के थोड़ा सा दूध भी डालना ज़रा सा ना, दूध डालने से अभी ज़ाफ़रान का कलर आएगा इसमें चावल में। और नमक डाल के हिला के इसको भी मैं चढ़ा दूँगी। एक सीटी में मेरा बघारा हुआ चावल तैयार हो जाएगा। चिकन को मसाला लगा के रखी हूँ इधर पे और जा रही हूँ चिकन का भी मसाला तैयार करने। तो बताती हूँ आज डिनर में क्या बना रही हूँ मैं, बोलो। तो गाइस मैंने चिकन को मसाला लगा दिया इसमें, स्मोकिंग फ्लेवर आने के लिए मैंने कोयला जला के थोड़ा सा अब इसको मैं से ढक के रखूँगी जब तक मेरा अभी ऐसे ढक के रखे रहेगा। अरे तेरी जात का मेरा मानो, ऐसे ढक के रहेगा, ऐसे ढक के रहेगा जब तक ये पूरा इसके अंदर अब्सॉर्ब ना हो जाए धुआं और क्या नाम इसमें स्मोकिंग फ्लेवर ना आ जाए। अभी मैं अपना गई जिसमें हमने प्याज तल के निकाली थी ना वही तेल में हम जो है चिकन को भी बघार देंगे। तो पहले अदरक लहसुन डालेंगे, 2-3 मिनट अदरक लहसुन को पास से भूनेंगे ताकि हम जो है उसकी कच्ची बाँस जो थी ना अदरक लहसुन की वो निकल जाए। हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी इस पोजीशन पर थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। थोड़ा सा हमने डाल दिया इसमें फ्रेश क्रीम, चला लेंगे। ये सालन को ना आप लोग, मैं फोटो रखूँगी सालन को, नाम आप लोग देना इसको, क्या नाम देना चाहे इसको आप लोग नाम देना। मैंने तो सब चीज़ सब स्टाइल का सालन का हो गया है। अब मैं थोड़ा सा फिर से इसको स्टीम करूँगी तो इसी में से मैं थोड़ा सा तरी निकालूँगी ऊपर से हल्का सा बस स्मोकिंग, क्योंकि पहले अपन स्मोक इसको दे चुके थे इसलिए अभी हल्का सा स्मोक दे रही हूँ मैं, बस हल्का सा। जैसे कभी मैं सालन बना रही थी तो सालन बनाते बनाते मेरा हाथ ऐसा
स्लिप किया ऊपर उस पे से, तो दर्द पकड़ लिया बहुत तेज का, देख सकते हैं आप दर्द पकड़ लिया। चले मैंने अभी दर्द की पट्टी घर में रखी थी, जल्दी से बांध लो, पहले से कमर में दर्द है, चलने नहीं आ रहा, पैरों में दर्द है, अभी हाथ थोड़ा सा सटका ना कचने बहुत तेज इधर से इधर तक दर्द होने लगा, तो अच्छा था बैंडेज के, तो राबिया बोली अम्मी बैंडेज बांध लो, हमें बैंडेज बांध ली अपने हाथ में, देख सकते हैं आप लोग करके। तो गाइस बहुत तेज दर्द हो रहा है, दुआ करो आप लोग सही हो, कुछ ना कुछ दर्द कहीं ना कहीं चोट लगती जा रही है यार, कहीं ना कहीं, एक तो इधर पे पहले से इतना दर्द है ये, और अभी ऐसा बनाते ऐसी हाथ सटका तो बहुत तेज ऐसा लगा, और ये पता नहीं ये वाली नस को कुछ ऐसा 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 करने भी हो रहा हाथ इतना, तो बैंडेज लगाने बोली राबिया। और देखो गाइस सब कुछ तो रेडी हो गया, अभी बस आ जाओ वहाँ पर आएंगे तो खाना खाएंगे, तो ये वीडियो में देखना चलना स्मोकिंग कितनी अच्छी हो गई है, देखना सालन तरी भी छोड़ दिया है, अच्छा बन चुका है। तो गाइस ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा मज़ेदार आप लोगों के लिए लेके इंशाल्लाह। मेरे को कहीं बाहर जाने नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं नहीं चल पा रही हूँ सही में, बहुत ज़्यादा पेन है मुझे, बहुत ज़्यादा पेन है, यहाँ से आकर पेन है, ज़रा सा थोड़ा चल के जाती हूँ, घर में आती हूँ तो अगर मैं थोड़ा देर भी बैठ जाऊँ थोड़ा तो उठ नहीं पा रही, बस ऐसे ऐसे करके चल पाती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह टीका लगा के बैठ रही हूँ, फूल ले आई हूँ, देखो ना क्या बताऊँ आप लोगों को, ये किसी ने मुझे क्या बोला है गर्म पानी से, देखो दवा खाने गई थी तो ये लेके आई थी 390 का कुछ ये पड़ा था, तो ये मैं ले आई थी सेकने के लिए, और डॉक्टर ने मुझे जब फर्स्ट टाइम देखी तो कौन सी क्रीम खा रही हूँ क्रीम का, देखेगा इस ये वाली क्रीम लगाने के लिए बोला है, बोला पहले तो गर्म पानी से ही सेका करो पीट में, तो ये के सेका कर हूँ, देखना मेरा हाथ का पैसा कचुंबड़ हो गया है, देख सकते हैं आप लोग के हो क्या मैं बताऊँ, ये इससे सेको, इससे गर्म पानी से रात में सेको, दिन में सेको, फिर थोड़ी देर बाद ये लगा दो क्रीम लगाओ, कुछ असर नहीं है, दर्द वैसा का वैसा है, कोई नस वाला नहीं मिल रहा है, मेरी नानी अल्हम्दुलिल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, वो रहते ना तो मालिश करके मुझे सही कर देते, उनकी मालिश में जो है ना बहुत ज़्यादा उनकी मालिश में शिफा थी, वो मालिश करके बहुत अच्छा कर देते थे, इतना अफसोस मेरा हाथ क्या।